जिंदगी में एक बार प्यार करना चाहिए, उसके साथ फिल्म देखना चाहिए, उसके साथ घूमना चाहिए, उसके बगल में बैठना चाहिए, किस करना चाहिए, एक बार कसकर गले लगाना चाहिए। ऐसी ख्वाहिश थी मेरी, लेकिन मेरी इच्छा मर गई है। अभी कोई और मेरी जिंदगी में आता, इससे पहले इन्होंने मुझे मार दिया। जिंजर, चला देते हैं इसको। पहले घर पे जाके कपड़े बदल लेते हैं, कल शाम को फिर से यहां आते हैं। अगर किसी को शक हुआ तो? सब कुछ बाहर लेकर आओ, छोटे से छोटा आइटम भी मत छोड़ना, सब क्लीन कर देना। ये दरवाजा बंद कर दो। चलो बैठो। ये सब लोग कौन हैं? यहां पर कैसे पहुंचे? इन्हें क्यों मारा गया? क्या गलती थी इनकी? क्या संबंध है इन सबका? इसका भविष्य क्या है? कुछ नहीं पता। अनुश्री, ये जिस लड़के को पसंद करती है उसको इसने खो दिया है। मतलब ये एक जिंदा लाश है, उसके बिना जी नहीं सकती, इसलिए मरने का फैसला किया है। ये चाहती है कि मरने से पहले कोई अच्छी लव स्टोरी फिल्म देखे या लव स्टोरी कहानी पढ़े, इसलिए पेपर में लव स्टोरी कहानियों के लिए इसने ऐड दिया है। ये चाहती है कि आखिरी बार आंखें बंद होने से पहले कोई अच्छी लव स्टोरी पढ़ ले। बार बार पार्क में आकर लवर्स को देखती है। अब रात दिन बस इसका एक ही काम है, आंसू बहाते रहना। जेम्स एक डायरेक्टर है, 20 साल से साइकिल पे घूम रहा है और उसकी धुन है कि सिनेमा बनाना है, लेकिन आज तक नहीं बना पाया। प्रोड्यूसर ने इससे वादा किया है कि कोई भी रियल स्टोरी मिली तो उस पर फिल्म बनाएगा। ऐसे समय में अनुश्री का दिया हुआ लव स्टोरी का एड देखकर इसके मन में उत्सुकता जागी और इसने सोचा कि अगर उससे मिला जाए तो एक ओरिजिनल कहानी मिल सकती है, इसीलिए वो अनुश्री से मिलने निकल पड़ा। हमारी तरफ से इसे ऑल द बेस्ट। सौरभ बदले की आग में चल रहा है और उसके लिए प्लान भी बना रखा है। फर्स्ट क्लास टपोरी है ये, फिलहाल गांव से आकर इसके पास रह रहा है और एकमात्र मकसद है 50,000 रुपए कमा कर गांव वापस जाना। अनुश्री ने जो ऐड दिया था उसकी वजह से कई लोग अपनी प्रेम कहानी लिखकर इसे भेजते हैं, ये उन सबको पढ़ती है। उनमें से एक कहानी इसे बहुत पसंद आई, जिसकी कहानी थी उसे पैसे भेज दिए। कौन है आप? ये अनुश्री का घर है क्या? हाँ है तो? मुझे उनसे मिलना है। नहीं मिल सकते सर। एक बार मिलना जरूरी है। सर नहीं मिल सकते सर। मेरी बात तो सुनो। जो बोल रहा हूँ समझिए ना सर, अब जाइए ना सर। समझते क्यों नहीं, मुझे उनसे मिलकर कुछ बात करनी है। सर जाइए ना सर, सर मेरी बात तो सुनो। सर, नहीं अरे ना, एक मिनट सुनो तो प्लीज। सर मैंने आपको बोला ना सर, आप जाओ ना। ऐसा कर रहे हो, मुझे सर, मिलना नहीं ना सर, प्लीज नहीं सर, एक बार मिलने तो सर, आप जाओ ना सर। सर आप क्यों जिद कर रहे हो, समझो ना सर, एक बार मिलकर वापस चला जाऊंगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। ठीक है दीजिए। पैसे का नाम लेते ही औकात पे आ गया। ये नोट ओरिजिनल तो है ना? पैसे मिल गए ना, अब बुलाओ।
ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं अंदर जाकर आता हूँ। नाम क्या बताया? कहना फिल्म डायरेक्टर हूँ। ओह, तो फिल्म के डायरेक्टर है। मेरे पास एक सुपर डुपर कहानी है, टाइटल है कच्चा कधा नीचा, कौन है ये साचा? कैसा है सर? दिमाग मत खा, उनको बुलाना। क्या सर, अच्छा नहीं है क्या सर? अरे जाना यार। अच्छा टाइटल है इसलिए चोरी मत कर लेना। ए, चोर समझा क्या? फिल्म इंडस्ट्री वालों पर भरोसा नहीं कर सकते सर। दीदी, कोई आया है। कौन है? कौन है पता नहीं, लेकिन कोई फिल्म डायरेक्टर है बोल रहा है। उस डायरेक्टर को चुपचाप वापस जाने के लिए कह दो। नहीं दीदी, ठीक है दीदी। सर, वो आपको बुला रही है। नमस्ते। सौरभ, सौरभ आया दीदी। बोलो दीदी, कौन है ये? पता नहीं दीदी कौन है, इतनी बड़बड़ बड़बड़ करता है। मैंने इसे बोला था अंदर मत जाओ। क्या भाई साहब, आपको कॉमन सेंस नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है? खाली फुकट आपने मुझे दीदी से डांट पड़वा दी। ए, क्या है ये कैसी बातें कर रहे हो? हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। चलिए आप, चलिए, एक मिनट बात तो करने दो। अरे सुनो ना आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, चलिए क्या कर रहे हो, चलिए जाइए। सर 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 प्लीज सर सर सॉरी सर 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 मुझसे गलती हो गई सर। अरे पैर छोड़ो। प्लीज सर, सर आप बताइए आपको क्या चाहिए सर। सर प्लीज आप मुझे एक बार बता तो दीजिए आपको क्या चाहिए। अरे क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा, चलो उठ जाओ। सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो सर। सर प्लीज सर, सर उस लड़की की कहानी लाकर देगा मुझे? बिल्कुल लेकर आऊंगा ना सर, उस लड़की की कहानी डायरी में है सर। सर मैं पक्का लेकर आऊंगा सर। आप चाहते तो मैं आपको 500 रुपए भी रिटर्न दे देता हूँ सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। सर प्लीज छोड़ मेरे। सर प्लीज सर, ठीक है ठीक है, चल पैर छोड़ सर। सर खाओ जा सर। सर सर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाय। ए अनु, सोडा बड़ी उधर ही खड़ा है, देख। खड़ा है तो क्या करूँ, अब मैं आइटम डांस करूँ क्या? चल। अरे ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ यार, थोड़ा इंतजार करते हैं ना। देख मैं पक्का कह रहा हूँ वो जरूर आएगी, मेरा यकीन तो कर यार। ये थोड़ी देर की तो बात है, चलना जल्दी, इंतजार करते हैं। दोस्त, वो आई नहीं यार। अरे आएगी यार, थोड़ा इंतजार करना। देख वो आ गई। देख अनु, आज भी सोडा बड़ी वहीं पे खड़ा है। तू चुपचाप चलना। ए तितली, ए उड़ने वाली तितली। क्या
है बे सोडा बड़ी? बात करने की तमीज नहीं है क्या तुम में? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरा बाप मुझे चिकन मटन और फिश लाके खिलाता है। ए, अगर तू मेरे मम्मी डैडी पे आई ना तो मैं तेरी किडनी निकाल के बेच दूंगा, जादू टोना कर दूंगा, जिंदगी भर पछताएगी। ए भिखारी, उससे पहले ना मैं तेरे कमर के नीचे बड़ा सा पत्थर उठाकर मार दूंगी, फिर तड़पता रहेगा। दोस्त, ये कमर के नीचे क्या होता है यार? अरे इतना भी नहीं पता, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट रे। अरे इसकी तो, इसने मुझे ऐसा बोला, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुन, अरे सुन क्या करा? अरे नहीं ऐसा मत कर यार, छोड़ ना, जाने दे ना, चुप रहना यार, मैं भी देखती हूँ क्या करता है। तो वो पहले से ही पागल है, उसे कुछ कर दिया तो वो लेडीज है यार, छोड़ ना, जाने दे। कैसे छोड़ दूँ, क्यों छोड़ दूँ? सिर पे पत्थर उठाकर मारेगी बोलती तो छोड़ देता, हार्ट पे मारती तो छोड़ देता, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पत्थर मारने को बोल रही है, कैसे छोड़ दूँ? अरे यार तूने उसको छेड़ा तो वो बोलेगी नहीं क्या? हेलो, हम तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, इसे सिर नीचे करके निकल जाना चाहिए था, इसने उल्टा डायलॉग क्यों मारा? सर उन्हें छोड़ दीजिए सर, कोई बात नहीं। क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं आप जाइए ना। तू छोड़ मुझे। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। छोड़ेगा या नहीं? अरे यार क्या कर रहा है तू? मुझे नहीं, सुन मेरी बात। ये तो चाकू लेकर आई है, साइलेंट हो जाते हैं। वैसे आज दिन कौन सा है? शुक्रवार है, क्यों क्या हुआ? चल निकलते हैं यहाँ से। अरे यार तुझे ऐसे ही वापस जाना था तो इतना ड्रामा क्यों कर रहा था? चलना चुपचाप। हेलो, मुझे कोई बुला रहा है क्या? यहाँ। अरे सुन, वो तुझे बुला रही है। कहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ क्या, बहुत उड़ रहे थे ना, अब चुपचाप यहाँ से भाग रहे हो, डर गए क्या तुम? आज शुक्रवार है, लक्ष्मी का दिन है, आज लड़कियों को नहीं छूता मैं। तो फिर मैं कल आऊँ क्या? ओए, ये आखिरी है, दोबारा अगर तूने मेरे पीछे आने की कोशिश भी की तो खुजली का पाउडर लेकर तेरे पैंट में डाल दूंगी, फिर तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं होगा। उड़ ले बेटा उड़ ले, जितना उड़ना है उतना उड़ ले, जिस दिन तू मुझे अकेली मिली ना उस दिन बताऊंगा मैं तुझे। अभी भी अकेली ही हूँ मैं, क्या बताना है बताना, तुम जैसे लोग सिर्फ बातें ही करते लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते। बहुत ज्यादा बोल रही है तू, अभी तक तूने मेरा दूसरा चेहरा नहीं देखा है। ए थू, चल निकल। कसम भगवान की छोड़ूंगा नहीं। ए भिखारी, चल जा। बहुत हो गया, चल निकल अभी। आया बड़ा। ए चल, कमीना आके खड़ा हो जाता है रोज रोज। ए तितली, क्या नाटक है तेरा? हाँ क्यों परेशान कर रहा है मुझे रोज रोज? अगर इतना मेकअप करके बन ठन के निकलोगी तो हम जैसे लड़के तुम्हें परेशान ही करेंगे ना। ए मैं मेकअप करके निकलती हूँ तो इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे पैदा करने वाले माँ बाप कुछ नहीं बोलते तो तू कौन है बोलने वाला? हेलो, तुम्हें लाइन मार रहा हूँ, वो भी बकेट से। कैसा कमीना है, कल ही तो इससे झगड़ा किया था और आज मुझे प्रपोज कर रहा है, इतनी हिम्मत है इसमें? कैसी गई गुजरी जात है लड़कों की। बकेट? दरअसल जिसे तुम लोग हार्ट बोलती हो ना, हम लोग उसे प्यार से बकेट बोलते हैं। और मग को क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। और नल को? लाइन मारने के समय ये सब जानना जरूरी है क्या? अगर ऐसे ही तुम हमारे शरीर के पार्ट्स के बारे में पूछती रही ना तो सुन के चक्कर खा के यहीं गिर जाओगी। तो ना कुछ भी मत कर, बस मेरे आते जाते ना मुझे टोका मत करो, चुपचाप रहा कर। क्यों, लाइन नहीं मारना चाहिए क्या? कौन सा बड़ा लाइन मारा है तू? हाँ ठीक है, यही चीज इंग्लिश में बोलकर बता। यू मीन इंग्लिश? या इट इज इजी फॉर मी, आई लव यू फ्रॉम बकेट, हाउ इज इट? सुपर्ब। हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम? हेलो, लंदन यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स। ए पागल, वो लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं, लंदन यूनिवर्सिटी एकेडमी है। जो भी है, अभी तुम मुझे लाइन दे रही हो या नहीं? ठीक है, लेकिन अभी मुझे लाइन देने का टाइम नहीं है, कल आना। कितने बजे? सेम टाइम। इस खुशी में कुछ दिखाओगी नहीं क्या? हाँ? दांतों के लिए बोला मैंने। फरवरी को इसी जगह पे प्रपोज करने आ रहा हूँ और अगर तुमने नहीं कहा ना तो तुम्हारे सीने पे बैठ के माइकल जैक्सन का डांस करूंगा।
आखिरी दिन है और नॉनवेज तो मेरी जान है, इसलिए मरने से पहले जी भर के खाने की इच्छा थी। कट इट। नेक्स्ट सीन कौन सा है? काट देना चाहिए था ना यार, शॉर्ट तो हो गया है ना। क्या हुआ? कहाँ गया वो लोफर? कौन? वही भिखारी सोडा बड़ी। क्यों, क्या हुआ? उसने जब पार्सल लिया था तो 6 पीस थे और अब देख रही हूँ कि इसमें 3 पीस हैं। बाकी के 3 पीस उसने खा लिए, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? तुमने कहा था चिकन दोगे इसलिए मैं आई हूँ, वरना यहाँ कौन आता है? हाँ, शॉर्ट के बीच में बोलना चाहती थी लेकिन फिर तुम लोगों को तकलीफ होगी इसलिए कुछ नहीं बोली। कहाँ है वो? यही कहीं बिल्डिंग में होगा, देख लो बेटी। उस कमीने का तो आज भूत उतार के रहूंगी। मेरा पोर्शन तो खत्म हो गया ना? देखना जरा, खत्म हो गया? हो गया बेटी। अरे किस किस को पकड़ के लाते हो यार, मेरी जान खा जाते हैं। रिवाइंड करके देखते हैं कैसा किया इसने। यही कहीं से चिकन की स्मेल आ रही है। अरे लोफर कमीना, इसकी तो मैं, मेरा चिकन पीस ठूस के अब यहाँ पर दारू भी पी रहा है। तेरी तो अभी बताती हूँ तुझे, कुछ मिल भी नहीं रहा है यहाँ। तू तो गया अभी। क्या हुआ, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? पार्सल में जो चिकन पीस था वो किसने ढापा? मुझे नहीं पता यार। अबे कैसा भुक्कड़ है तू, तेरा पेट है या गोदाम है? झूठ बोलता है, मेरे सामने ही तू अभी चिकन खा रहा था। ए पागल, ये चिकन पीस नहीं है, गोभी मंचूरियन है। अच्छा? Yes, you won't believe me? देख, ज्यादा फेंक मत, समझा ना? मैंने अपनी आँखों से देखा कि तूने जो खाया वो चिकन पीस था, तो अब ये नाटक बंद कर तू। मुझे वो सब नहीं पता, मुझे अभी 1 प्लेट चिकन कबाब चाहिए तो चाहिए। नहीं लाया तो? नहीं लाया तो कल रात को आएगा ना, तब अच्छे से बताऊंगी। इसकी तो मैं क्या बताऊं? ठीक है, अभी जाके लेके आता हूँ, खा के मर जाना। ए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? सुन ले, गलती तूने ही की है तो तुझे ही जाना पड़ेगा। ए, नहीं जाऊंगा लाने, तुझे जो भी करना है कर ले। अच्छा ठीक है, चल छोड़, लेकिन एक बात याद रखना तू, अगर महीने भर गधे की तरह मेहनत भी करेगा ना तब भी 1 पैक फॉरेन स्कॉच पीने नहीं मिलेगा। अब चलती हूँ। ठीक है, लेके आता हूँ ना। अरे लेग पीस लाऊंगा रोस्टेड किया हुआ, शिवाजी होटल से दम बिरयानी लेके आऊँ क्या? अच्छा एक पूरा मुर्गा ही लेते आता हूँ, देसी मुर्गी का चिकन लेके आऊँ क्या? पलट 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 जा, अरे पलट जा पलट जा पलट जा पलट, अरे जा ना। नॉनवेज का नाम सुनते ही लार टपकने लग गई क्या? कमीने तू आ ना रात को, फिर बताती हूँ। पूरी दुनिया में सिर्फ तेरे ही घर में स्वर्ग मिलता है क्या? दूसरे जगह नहीं मिल सकता, चल जाए यहाँ से। मुझे पीछे से आवाज दी ना तो डंडे से मारूंगी। अरे जाना। तू जाना, मैं दिखाती हूँ तुझे मैं कौन हूँ। चल निकल अभी यहाँ से। इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बताना ही पड़ेगा। जब देखो तब मुझे पे चिल्लाती रहती है। जेम्स। जेम्स। यहाँ आइए। क्या है? चलता हूँ। तुम्हारी वो गुस्सा होकर चली गई है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। सुनो, पैचवर्क के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती है, तुम उसे बुला लेना है। पेमेंट कितनी है?
अरे शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ यार, इसमें बजट होता कहाँ है? कोऑपरेट करो यार, काम धाम कुछ करना नहीं है, चांस मारने चले आते हो। ठीक है, रात का जुगाड़ कर देना। हाँ हाँ ठीक है, जुगाड़ कर दूंगा तुम्हारा। कोई काम धाम तो है नहीं, बस दारू के लिए चले आते हैं। एक्टिंग करने के लिए बोलो तो नखरे करते हैं। ये लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? हेलो, ये लोग तेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं? अरे यार जल्दी आ रहे यार, किधर है तू? ठीक है, हमारे अड्डे पे आ जा। हाँ ठीक है। फिर इन लोगों को सिंहासन पे बिठा के कत्थक करवाएंगे। ज्यादा भी मत पी यार। सुन, जिनका सम्मान हो गया उनका मुखौटा हटा, फंक्शन स्टार्ट करना। ठीक है यार। क्या है तुम लोग यहाँ पे गंदगी फैला रहे हो? भारत स्वच्छता अभियान के बारे में नहीं सुना है क्या? क्यों रे, फंक्शन स्टार्ट करें? सोच मत, शुरू हो जा दोस्त। अच्छा, हाथ बांध कर क्या मर्दानगी दिखा रहा है? खोल कर दिखा। अरे सुन, ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, खोल इसे। रहने देना यार। खोलना यार, बच्चे को दूध पिलाना है। अरे यार सुन, तेरे मारने से सोडा बड्डी के मुंह से खून निकला। तुझे ये तो पता ही होगा ना, स्वर्ग जैसा आनंद पाने के लिए लोग बार में जाया करते हैं, और नर्क जैसा आनंद पाने के लिए पता है संपर्क कहाँ करते हैं? sodabuddy.com। सुन, किसने कितने फटके मारे थे? यार, इस वाले ने दो फटके मारे थे, और इसने तीन मारे थे, और इसने तो चार मारे थे मुझे यार। अच्छा सुन, फंक्शन शुरू करते हैं।
हमें मारेगा, अब मार के दिखा। मारना। बहुत तेज बारिश और तूफान आने की आशंका है, इसलिए बच्चों को बाहर मत भेजना, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। वैसे आमतौर पे मौसम विभाग के अनुमान सारे गलत होते हैं। वैसे प्रकृति के कहर से दूध का दही, दही से मक्खन बनने की संभावना है। मक्खन आप ब्रेड पे भी लगा सकते हो और वैसे भी खा सकते हो। ये सब होने के बाद तुम्हारे दादा दादी तुम्हारा अभिषेक करेंगे और मेरी बात को बहुत सीरियसली लेना। टिंग टिंग टिंग। पापा, ना बारिश है ना तूफान है, शाम का समय है, अंदर आइए। लुंगी पहनने वाला तेरा बाप स्वर्ग जाने के बाद बहुत तकलीफ झेलेगा, इसलिए बेकार के सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। अगर सवाल किया तो नीचे का इलेक्ट्रिक खंबा निकाल के साइड बना के बोरवेल बना दूंगा। चला ठीक है। अरे अरे सवाल मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ मैं एकदम स्टील बॉडी हूँ, स्टील स्टेट रूट 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 एकदम सेट हूँ मैं। अरे ये कौन सा नया फिगर है? ओ मेरी बीवी है तो क्या नसीब है, कितना भी समझाओ नहीं समझते। सुन बेटा, फिर से पीकर आए ना। अरे ओ सीरियल की मारी, बाथरूम में स्टोव बर्तन लोटा फ्रिज सब कुछ डाल के रखा है तूने। अरे वो बाथरूम नहीं है, किचन है। वो किचन है क्या? मैं कौन सी ब्रांच में चला गया था? अरे बहुत जोर से आई है।
अरे पानी के साथ सोडा मिक्स किया था इसलिए ऐसा हो गया। अंदर जो मैंने पानी गिराया तो उसमें एक घड़ा पानी गिरा दे। क्या किस्मत है, किस जन्म में पाप किए थे मैंने जैसे प्रेमी के साथ शादी हो गई मेरी। मैं फिट हूँ। कल एक घड़ा पानी गिरा दिया था और आज देखो पूरा एक डब्बा तेल भी गिरा दिया। साइड हो जा, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चल सकता हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, क्या करूँ मैं। अरे क्या माहौल है, नहीं क्या घूर रहे तो गुड, दैट इज द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड वेरी गुड, ऑल सेट। इसने नहीं पी, अच्छा बच्चा है। इसने खाली कर दी। ये तूने पी क्या? हाँ नहीं, ये नहीं पी सकता, ये कितने खाली। अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं पिएगा, ये नहीं पिएगा। ये डाला पानी हम, ये थोड़ा cheers. Papa? नहीं। मेरा बेटा मेरी चीज पर लाल टपका रहा है। हाँ? हाँ? नहीं नहीं नहीं, बेचारा है। अरे किधर गया वो? तो फिर से स्टार्ट हो गई है। बस उम्मीद करता हूँ कि टीवी में फिट हो जाए ये। पता है ना मैं कौन हूँ, मैं कलाकार हूँ, मेरे पास ये सब नहीं चलेगा। किधर किधर गया छेद टीवी का, किधर गया, ऊपर गया, नीचे गया, इधर ये रहा। Got it man, got it। आजा आजा और ले जा ले जा। पता नहीं कब सुधरेंगे। ज्यादा गीला होने से एलर्जी हो जाती है। इसका फोन क्यों आ रहा है? नहीं उठाना मुझे इसका फोन। लगता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। चिकन की खुशबू आ रही है कहीं से। सॉरी
सॉरी यार अनु, मैं जानता हूँ मैंने तुझे हर्ट किया है। जाती हूँ। काम किया है इसलिए दे रही हूँ। चल पकड़। चिकन कहाँ है? हाँ। इसमें तो सिर्फ पानी ही है। एक दो तीन चार, हाँ ठीक है, डेकोरेशन कर देती हूँ। टमेटो, ककड़ी और ये प्याज यहाँ पे। पागल हो गई हो क्या तुम? खाना खाने के बजाय डी करेक्शन कर रही हो तुम। ए पागल, ये डी करेक्शन नहीं डेकोरेशन है। तुझे दारू लगा दिया है ना, चुपचाप ही मुझे डिस्टर्ब मत कर, दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है ठीक है, एक पीस मुझे भी देना। अरे तुम मुंह क्या देख रही हो, दो ना। सारे तो बड़े बड़े पीस है, किसी में से थोड़ा सा निकाल कर दे देती हूँ, इसके लिए इतना ही काफी होगा। एक पीस देती तो तुम्हारे बाप को कुछ हो जाता। हाँ, इतना दे रही हूँ ना, काफी है, ये ले। देखो कैसे खा रही है। एक्चुअली इसके घर में रहने वाले लोग घास फूस खा के बड़े हुए हैं। पता नहीं ये कहां से इस घर में पैदा हो गई। इसको तो रोज ऐसा ही खाना चाहिए, नहीं तो ये जान निकाल देती है। ये बाहर जाके तो खा नहीं सकती है, इसलिए रोज रात को ऐसा सेटअप होता है। और हम दोनों की घिसी पिटी लव स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई है। एक बार मैंने इस क्वार्टर में एक घिनौना और खराब सा काम किया था, इसलिए बिल्डिंग के समझदार बेवकूफों ने बगैर दया धर्म और इंसानियत के मुझे यहाँ इस चेन से बांध दिया। ये खुशबू कैसी आ रही है? आहा, चिकन की स्मेल है। दारू रहती तो खा भी सकता था। उस गोल्डन टाइम में टकराई हुई ये फिगर, ये तितली। ट्रेडिशनल फिगर, भगवान ने इसे फुर्सत से संडे के दिन बनाया होगा। किसी तरह से इसके बकेट पे मारना होगा। कितना बेकार फिगर है, मैंने क्रीम का पाउच भी वेस्ट कर दिया। ये ऐसे यहाँ बार बार राउंड क्यों मार रही है? कहीं ये मुझे लाइन तो नहीं मार रही? एक बार बात कर ही लेता हूँ। हेलो मैडम। हाँ? हेलो मैडम, बहन जी, बहन जी। वाह 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 वाह, बहन जी बोला तो इसने अपनी स्पीड पे ब्रेक लगा दी। यहाँ आइए। क्यों आऊँ? आइए ना, वहां से पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा। आइए ना, कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ बने हैं। आजा आजा, तेरे बकेट पे मारने के लिए बुला रहा हूँ। क्या है? कुछ भी नहीं, छोटी सी गलती की थी इसलिए यहाँ बांध दिया गया। पीठ में खुजली हो रही है, थोड़ा सा खुजा देंगी क्या? हेलो मैडम, हेलो, प्लीज प्लीज सिस्टर, प्लीज प्लीज बहन जी, पुण्य ही मिलेगा आपको, प्लीज प्लीज बहन जी, प्लीज मैडम, पुण्य मिलेगा आपको, प्लीज। किधर? पीठ पे मैडम। हाँ।
लकड़ी से खुजाती हूँ। अब बहन जी रुक ना भाई एक मिनट। हाँ ठीक है ना, भाई भाई मत बुलाइए मुझे। तू मुझे बहन बुला सकता है, मैं तुझे भाई क्यों ना बुलाऊं? ठीक है छोड़ो ना यार, मैंने तो बस तुम्हें ऐसे ही बोल दिया था कि तुम मेरी मदद कर दो। यार ये लकड़ी की कांडी क्यों उठा रही है? थोड़ा शार्प कर लेती हूँ। वहां हो गया हो तो यहाँ जाइए। कहाँ खुजाना है? हाथ से भी खुजा सकती थी ना। हाँ बहन हो ना। ओ, बहन हो ना, सही कहा सही कहा। ऊपर से शुरू करना, तुम खुजाती रहो, जगह मिलने पे मैं बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे, यहाँ थोड़ा और नीचे, यहाँ थोड़ा और, बस पहुँचने वाली हो, थोड़ा सा और नीचे। इस कमीने को कहाँ खुजली हो रही है इसे खुद भी नहीं पता। यहाँ थोड़ा और नीचे, लगभग पहुँच गई हो, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा। सॉरी, इसके नीचे मैं नहीं जा सकती। वो क्यों? हैं, बहन हूँ ना। बहन? अच्छा है, कोई बात नहीं, वहीं हो रही है, खुजाओ। हेलो हेलो सर, हो गया क्या? हो गया। कुछ भी कहो यार, बहुत अच्छा खुजाती हो। वैसे कौन सा शैम्पू लगाती हो? हेड एंड शोल्डर। सर पे? सर की ही बात की मैंने। मैं भी सर के बारे में ही पूछ रहा हूँ। वैसे बात क्या है, ये बार बार यहीं के चक्कर लगा रही है, कोई खेल खेल रही है क्या? एक बार बात करता हूँ। हेलो लेडीज, एक मिनट, मैं देख रहा हूँ तुम यहीं के चक्कर लगा रही हो बार बार, आखिर बात क्या है? ये घर तुम्हारा है क्या? मेरे घर का एड्रेस निकालना चाहती है। हाँ तो? चिकन बन रहा है क्या? ये अपने बैग में क्या ढूंढ रही है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो इस टिफिन में दो पीस चिकन लाके दे सकते हो क्या? ये जरूर कोई मेंटल केस लगती है। वैसे आपसे एक बात कहूँ, कहीं आप मेंटल हॉस्पिटल से भाग के तो नहीं आई? ओ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन नॉनवेज में मेरी जान बसती है। हा? और मेरे घर में ना कोई खाता है ना बनाता है, मैं भी वहाँ नहीं खा सकती, इसलिए छुप छुप कर कभी कभी खा लेती हूँ। जैसे ही तुम्हारे घर के पास आई ना तो चिकन की स्मेल आ गई। वो मैं खा तो नहीं पाऊंगी लेकिन स्मेल तो ले ही सकती हूँ ना, इसलिए यहाँ घूम रही हूँ। अच्छा तो ये मैटर है, मैं तो न जाने कहाँ पहुँच गया था। कहाँ पहुँच गए थे? वो सब छोड़ो, तुम इंडिया में ही गिरी थी क्या? इंडिया में गिरी थी का मतलब? इंडिया में पैदा हुई हो क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, यार इंडियन। मुझे तो डाउट हो रहा है। वो सब छोड़ो ना, चिकन की स्मेल कुछ ज्यादा ही आ रही है, मुझे लगता है बन गया होगा। बस दो पीस ला कर दे दोगे? मेरे हाथ बंधे हुए, कैसे लेके आऊंगा? वेट करती हूँ। मतलब आज खाना ये डिसाइड कर लिया है तुमने? ठीक है फिर, कुछ करके लेके आता हूँ मैं। लेग पीस तो होगा ना? लेग पीस होगा ना? लीवर भी? विंग्स भी तो होंगे ना? अच्छा, चिकन विद स्किन है या विदाउट स्किन है? विद स्किन। ज्यादा पूछ रही हूँ ये सोचकर बुरा मत मानना। हाँ, मेरे लिए एक लेग पीस, दो विंग्स और एक लीवर लेकर आना बस काफी होगा। और प्याज टमाटर लाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास है। वो क्यों? साथ में खाने के लिए। वो भी है क्या? और क्या, ये देखो बॉटल छोड़ के सब कुछ रखा है इसने। गारंटेड ये मेंटल केस है, बकेट को जेब में डालने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। ओके, घर से बॉक्स में चिकन लाना फिर लाके तुम्हें देना काफी तकलीफ होगी। प्लीज। कोई बात नहीं,
लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन एक बार पीठ खुजाओगी क्या? शुरू हो जाओ। कहाँ खुजाना है? गुड क्वेश्चन। तुम्हें जहाँ भी लगता है वहाँ खुजाना शुरू कर दो। इसी तरह से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। हैरानी हो रही है ना? रोज मैं उसे नॉनवेज लाके देता था और वो भी खाने के लिए रोज मुझे खुजाती थी। क्या मजा आता था यार। स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं आंखों के सामने कैबर डांस कर रही हूँ ऐसा महसूस होता था। और तभी मुझे एक बात पता चली, और पता है वो बात क्या थी? कि वो हमारे पास वाले बार के ऑनर की बेटी है। ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई। एग्रीमेंट चेंज हो गया। मैं तुम्हें नॉनवेज दूंगा, तुम मुझे दारू दोगी, क्योंकि एक दूसरे के बकेट को जेब में डालना है इसलिए, मतलब प्रपोज करना है चिकन पीस देकर। और जैसे ही उसने चिकन पीस देखा, वो देखने के बाद ही उसने हाँ बोल दिया। अब उसने मेरा चेहरा देखकर हाँ बोला या फिर चिकन पीस देखकर बोला, ये नहीं पता। मैं तो फुल टाइट हो गया और वो अभी तक लॉलीपॉप की हड्डियां ही चबा रही है। दारू पीने के बाद की लव स्टोरी जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप कहाँ कहाँ से हंसोगे पता नहीं, लेकिन प्लीज मुंह से ही हंसिएगा। और हाँ, देखने वालों को डर भी नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं, आप तैयार हैं ना? Over to next day tomorrow night. Shona. Yes. मुझसे कब तक प्यार करोगे तुम? दारू देने तक। और उसके बाद? तेरी मम्मी से प्यार करूंगा। चप्पल से मारूंगी तुझे। Thank you very much for compliment. बहुत दर्द हो तो संपर्क कीजिए mopsodabatti.com. इसमें मेरा नंबर है, कॉल कीजिए, कूल होके बात करेंगे। मिस कॉल की तो लात मारूंगा। ए पागल, पीने के बाद ये रोज .com क्या शुरू हो जाता है? तेरा दिमाग खराब है क्या? ये सोडा बट्टी का स्टाइल है, दोबारा पूछी तो पत्थर मारूंगा। हाँ मारना। ए शोना। यस। बिरयानी बहुत अच्छी थी, उसे खा के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घुटने में बहुत खुजली हो रही है, बस एक बार तेरी डिक्की पे मारू क्या? डिक्की पे? अरे जा। प्लीज ना बट्टी। नहीं हो सकता। ऐसा क्या? हाँ तो ठीक है, कल से नो मीटिंग नो दारू। इसकी तो ये बात बात पे डिक्की पे पहुंच जाती है इसकी। ठीक है चल, लेकिन सिर्फ एक बार। हाँ ठीक है चल, जा जा, खड़ा हो जा जल्दी से। मार मार के छोटा कर दिया इसने मेरी डिक्की को। जल्दी करना, रेडी है ना? कितना भी चाहूं लेकिन चाह कर भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्मनः तुर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम नमः शिवाय देवादिदेव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ए रत्ना, क्या हुआ जी? इधर आना। देख तेरे नालायक बेटे को कैसे सोया। इसको मैंने कितनी बार बोला इस तरह पिछवाड़ा ऊपर करके मत सोया कर, मत सोया कर, लेकिन फिर भी देखो पिछवाड़ा ऊपर करके ही सो रहा है ना। देवी देवता क्या इसका पिछवाड़ा देख के इसको आशीर्वाद देंगे पता? आपकी नई नई शादी हुई थी, आप भी ऐसे ही सोया करते थे। क्या बोली? कुछ नहीं।
हाँ, यूं गया और यूं आया। ठीक से सुला देना वरना तेरा भूत उतार दूंगा मैं। सोने का स्टाइल तो देखो, एकदम लोफर की तरह सो रहा है, एक नंबर का नालायक है। चल उठ जा, उठ जा बेटा, तेरा बाप कब से चिल्ला रहा है। अच्छा उस तरफ मुंह करके सो जा, चल ना, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। कौन है तेरी पापा? उठ जा, तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे आके दिखा है, चल उठ। कुछ नहीं, तू माइक मिला के कितनी बार बोला है, पिछड़ा ऊपर दिखा के मत सोया कर, मत सोया कर, फिर भी वैसे ही सोता है। तो और क्या दिखाऊं? धरती को दिखा, धरती को। मेरे मास्टर जी ने कहा था पिछड़ा धरती की तरफ करके सोगे तो पायस हो जाएगा। कैसे बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर में थर्ड क्लास से पास होके कंफ्यूज मास्टर बनते हैं, और तुम जैसे लोगों को खराब करके हम जैसों के सिर पर बांध देते हैं। तुम्हें अच्छा करने के चक्कर में हमारा पिछड़ा पिघल के लोटा बन जाता है, लोटा। अब उठ जा। ठीक है, आप जाइए ना। अरे ओए, क्या ठीक है? 5 मिनट में मुंह नहीं धोया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। चलो जल्दी। गर्मी में बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। बेटा, सोचती हूँ रोज सुबह उठ के भगवान का चेहरा देखूं, लेकिन रोज तेरे बेटे का पिछवाड़ा देखना पड़ता है। मेरी शांति तो भंग हो गई है, मरने के बाद भी इस घर में शांति नहीं है। अब तू कैसे सोया था बता? दीवार को दिखा के। उधर कौन है? मेरी माँ है। मुझे जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करने वाली मेरी माँ को तू इस तरह अपना पिछवाड़ा दिखा रहा था? देख उधर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, रो रहा है, देख देख उधर, तेरी तो मैं। अब अगर तूने दोबारा अपना ये पिछवाड़ा आकाश की तरफ या माँ की तरफ दिखाया ना तो मैं यही घुसेड़ दूंगा तेरे को यही। अरे यार, क्या बोला? फाड़ दूंगा मैं, फाड़ दूंगा। जिंदगी भर इसके पीछे इसी तरह भागना पड़ेगा लगता है। तो किस कलाकार के यहाँ पैदा हो गया हूँ मैं? जनरल नॉलेज जरा भी नहीं है इसमें। तो सुबह सुबह मेकअप करके कहाँ मरने जा रही है तू? हाँ, कहीं नहीं। हे भगवान, नहाने जाने के लिए भी मेकअप करना पड़ता है इन्हें। बजाना और पीपी बजाना, अब तो सीधे बात करते हैं। क्या बात करनी है? क्या? क्या? मुझे कुछ पूछना है, बताओगे क्या? कौन सा शैम्पू लगाते हो तुम? हाँ,
मेरा शैम्पू। फिर सर पे मैंने सर पे ही कहा है। मैंने भी सर के बारे में ही पूछा था। बस बस झगड़ा बहुत हुआ। तुम कौन सा सूप लगाते हो? लक्स इंटरनेशनल, बॉडी पे डव और डैश पे क्लिनिक प्लस। डैश का मतलब हम दोनों जब मिलेंगे तब बताऊंगा। उस पल का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं भी। और तुम कौन सा सूप लगाती हो? मुंह पे जॉनसन सूप, बॉडी पे मैसूर सैंडल और डैश पे डैश। डैश पे डैश मतलब अगर हम दोनों में प्यार हो गया तो पक्का बताऊंगी। भाग्या? हाँ? आई मम्मी। क्या कर रही है तू? 3 घंटे से अंदर बंद है। हाँ हाँ, कपड़े बदल रही हूँ मम्मी। जल्दी आ, चल। आ रही हूँ। बाय बाय। Thank you.
की आवाज आई कहां से? मेरे घर के पास मत आना, मम्मी रहती हैं। हमारे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वो वहाँ आ जाती हैं। 5 मिनट में मम्मी नहाने जा रही हैं, तब मैं छत पे आऊंगी, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। लव यू सो मच। ज्यादा प्यार बढ़ गया, बात क्या है? ये कैसी आवाज है?
मुझे सुबह से आवाज सुनाई दे रही है। लगता है बाथरूम में काला चूहा घुस गया है। काला चूहा नहीं है, सफेद चूहा है, तेरा बेटा। बस ऐसे ही ठीक है, चलो तुम अपना फोन नंबर दो। हाँ 9742900095। मेरे पास फोन भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, क्यों? मेरे पापा बहुत कंजूस हैं। जब मैं छोटी थी तो ठीक से चट्टी नहीं दिलाते थे, तो फोन क्या दिलाएंगे? ये कौन सी रोग का शिकार हो गया, पता लगाना पड़ेगा। एटलीस्ट अभी तो दिलाते हैं ना। ए बाबा, भाग गया, भाग गया। काम पे नहीं जाऊंगा। क्यों? आज मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, और आज मैं इधर ही सोऊंगा, कोई मुझे उठाना मत। हाँ ठीक है, नहीं उठाऊंगी। देखता हूँ मैं भी तुझे। तू अपने बाप का मजाक उड़ाएगा, तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, कचूमर बनाऊंगा तेरा। हाँ ये होल किधर गया, इसके अंदर जो था है? इधर कैमरा, कैमरा, हिडन कैमरा। स्वामी बच्चन, स्वामी आज तुम्हारी खैर नहीं है बेटा। आ रहा आ रहा, वापस आ, वापस आ, वापस आ। साढ़े दस बजे एक बार। बजे दूसरी बार। इतने आराम से आ रहा जा रहा है, ये चक्कर क्या है? जरा नोट करता हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इंसान देव है या डायनासोर है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं इसका? तुम एक बार विंडो पर आ जाओ प्लीज। जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं पत्थर मारता रहूंगा। ठीक है मैं आती हूँ। मेरी खिड़की के सामने जो लटकाया है उसे हटाओ। हाँ बताओ, क्यों फोन किया, क्या बीमारी है? हेलो डॉक्टर साहब, बोलो ना क्या परेशानी है। अरे कैसे बोलूँ मैं? उनसे बोलो और कैसे। वो मेरा बेटा सोडा बड्डी ना, वो दिन में 10 से 15 बार बाथरूम जाता है। अच्छा हाँ,
उसके जाने के बाद जब मैं जाता हूँ तो अंदर गरम गरम धुआं और गंदी स्मेल आती है। वो कोई दवाई आती है क्या, कुछ हॉर्स पावर जैसी ऐसी कुछ, कहीं वो सब तो नहीं लेता वो, कुछ पता है आपको? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है, उसे मेरे पास भेज दो, मैं ठीक करके भेज दूंगा। अरे डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, वो क्या मेरा बेटा आ गया, मैं फोन करता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ, वो फिर से बाथरूम चला गया, तो क्या करूं मैं? सो मच, आई एम सॉरी, अगर मैं इस समय तुम्हारे बगल में होती तो तुम्हारे गाल पे किस कर लेती। जल्दी से तुम मेरे घर के नीचे आओ। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? यहाँ बैठ जा, चुपचाप, आवाज बंद कर। क्या हुआ? क्या हो गया है इन्हें, ऐसे क्यों देख रहे हैं ये? क्या हुआ जी? तूने कुछ भी नहीं देखा क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसी के हाथों से। अरे डॉक्टर क्या करूं? अरे क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब। मेरे अनमोल सोना, कल मम्मी नहीं रहेंगी, टेरेस पे नहीं बुलाओगे क्या मुझे?
ये पापा ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रहे हैं? जरूर कोई बात है। तो क्या चल रहा है? बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं। इधर दे, ये देख ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, इसको देख ले, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? मुझे सब पता है, इस उम्र में ये सब कॉमन है। ऐसे मूड में 15-20 बार बाथरूम नहीं जाना चाहिए ना, नहीं तो हाथ पर कांपने लग जाते हैं। एक या दो बार तो प्राकृतिक है। ये देख, मूड ठीक हो जाएगा। समझ गया ना? और सुन, किसी को बताना मत कि मैंने दिए। दरवाजा बंद करके देखना और साउंड भी एकदम कम करके देखना। ऐसी आवाज आएगी। हाँ, थोड़ा होशियार रहना, साउंड कम करके देखना। टाइम वेस्ट मत करे, जा देख, चल। बेडशीट डाल लेता हूँ। मेरे पापा इस तरह की सीडीज रखते हैं। इसको कैसे भी करके साइट पे अपलोड कर देता हूँ। एक साइट बना ही लेता हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा, आपके पैर एक बार छू सकता हूँ क्या? पापा, आप जैसा बेवकूफ बाप इस दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा, भगवान कसम पापा। जांग पे सोना है पापा। आजा, आजा बैठ 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 बैठ। अब जाके मुझे सुकून मिला पापा। पापा, हाँ बोल। इसी तरह की डीवीडी मुझे एक और लाके दीजिए ना। अबे नालायक ना मुराद, मैं क्या सीडी की दुकान का ओनर हूँ? उठ, चल चल जा यार। जाइ, कट्टा, करके दिया बुझा दे मुझे। इसको छोड़ दो। ये सीडी कहाँ है? वो सीडी है? वो सीडी है? ए, किधर गया तू? ए, किधर गया? ए, सीडी कहाँ है? ए, वो सीडी मुझे दे। Thank you.
ऊपर आओगी क्या? ठीक है ठीक है। एक मिनट। क्या मैं थोड़ा सा नजदीक बैठ जाऊं? मुझे ऊपर क्यों बुलाया? तुम्हें देखने का मन हुआ इसलिए बुला लिया। इतना ही है ना? और क्या? सच में बताओ ना क्या है। कैसे बोलूं यार, सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया, और भी कुछ है, लेकिन डर लग रहा है। मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी अपनी हूँ ना, बोल दो। बोल सकता हूँ, लेकिन तुमने चाटा मारा तो? भगवान की कसम, मम्मी की कसम, नहीं मारूंगी। बोलो। पक्का? पक्का। जल्दी बोलो ना। रुक जाओ ना यार एक मिनट, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और ऊपर से ये। मैं सिर्फ एक बार तुम्हारा हाथ छू सकता हूँ क्या? हाँ? सिर्फ एक बार तुम्हारा हाथ छूना है मुझे। हाय मेरी किस्मत, तुम पागल हो क्या? इतनी मुश्किल से मैं घर से बाहर आई हूँ, एटलीस्ट एक किस और हग कर देते, और तुम हो कि ये छूं क्या, वो छूं क्या, ऐसा करूं क्या, इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते हो तुम। छोड़ो, मैं जाती हूँ। अरे मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मत जाओ। अरे जाने दो, बैठो ना। नहीं, अब मैं जा रही हूँ। मुझे किस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार मेरे कंधे पे हाथ रख दोगे तुम? ओके। संबंध है? भाग्या, कहाँ जा रही हो बेटी? ऊपर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, वो लेकर आती हूँ। क्या कर रही थी?
बर्तन धो रही थी। और तुम क्या कर रहे थे? टाइटैनिक फिल्म देख रहा था। टाइटैनिक फिल्म? इंग्लिश सिनेमा? तुम्हें और कुछ नहीं मिला देखने के लिए? जब लव होता है तो ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं। तो फिर बताओ मुझे किस कारण से बुलाया है छत पे? तुमसे शादी करने की सोच रहा हूँ। वो तो तुम्हें करनी ही होगी, वरना तुम्हारे राइस में जहर मिलाकर तुम्हें खिलाकर तुम्हें मार दूंगी। ओह, इतना बड़ा प्लान बना चुकी हो। और क्या, फर्स्ट टाइम किसी को दिल से पसंद किया है मैंने, हाथ देगा तो छोड़ दूंगी क्या? मेरे साथ मजाक कर रही हो? अजीब औरत है, सिरियल लगा के सो जाती है। शिल्पा, शाम को हम लोग गाँव जा रहे हैं, सारे कपड़े पैक कर लो। क्यों? क्यों किस लिए ये मत पूछो, जो बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन हुआ क्या? भाग्या, अपने सारे कपड़े पैक कर लो बेटी, गाँव जाना है। वो किस लिए पापा? तेरी दीदी की तबीयत खराब हो गई है, इसके लिए। मम्मी, आ जाओ। क्या हो गया? आ जाओ ना। अरे क्या हुआ? शाम को हम सब लोग गांव जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? हाँ आ जाओ, दामाद बनाकर तुम्हारी आरती उतारेंगे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, तुम कॉमेडी कर रहे हो। हे पागल, गांव ही तो जा रही हो, जाके आ जाना। जाने में प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर अगर तुम मुझे भूल गए तो? हाँ फिर। और अगर मुझसे भी अच्छी लड़की मिल गई और तुम उसके पीछे पड़ गए तो? और कुछ? और कुछ नहीं। तुमसे एक बात कहूँ क्या, दुनिया में चाहे प्रलय आ जाए या फिर सारा जहाँ रुक क्यों ना जाए, काले चेहरे वाले कोई अच्छी सी क्रीम लगा के गोरे क्यों ना हो जाए, ये धरती जाके आसमान से मिल जाए, लेकिन हमारी शादी होना तय है। हम चार बच्चे पैदा करेंगे और उन्हें अच्छी सी चड्डी पहनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। वैसे डायलॉग तो बहुत ही खराब था, लेकिन कोई बात नहीं, सुनने में अच्छा लगा। अच्छा, मैं किसी से कम हूँ क्या? तो अक्सर तुम ऐसे क्यों बोलते रहते हो कि बच्चे पैदा करके उन्हें अच्छी सी चड्डियाँ पहनाएंगे? बताओ ऐसी भी क्या बात है? तुम्हारे पापा की तरह कंजूस थोड़ी ना हूँ। अच्छा, मेरे पापा के बारे में बोलता? अरे क्यों, मेरे पापा के बारे में क्यों बोलते हो? छोड़ो ना, बताओ। नहीं बोलूंगा। इतनी हिम्मत है तुम में? मेरे पापा के बारे में बोलोगे? नहीं बोलूंगा। मुझे फिर से प्रपोज करो ना। हाँ, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, यहाँ हूँ। प्रपोज करने के लिए कहाँ था, किस करने के लिए नहीं? मैं ऐसी स्टाइल में प्रपोज करता हूँ। कल तुम सच्ची में? सच्ची में क्या? ये डोर खोल देती हूँ, इसे भागने में आसानी होगी। सच्ची में? सच्ची में क्या? जी में चार बच्चे पैदा करेंगे क्या? रात को घर के पास आ जाना, तुम्हारा चेहरा देख के जाऊंगी। आती हूँ। बाय। चलो अब। हाँ। Thank you.
चलती हूँ। हे पागल, गांव ही तो जा रही हो ना, जाके आ जाना, रो क्यों रही हो? गांव से आने के बाद कॉर्नर सीट बुक करके फिल्म देखने चलेंगे। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और तुम? अच्छा हूँ। बहुत दिन हो गए ना हम दोनों को मिले हुए। अपना नंबर दो ना। मेरे पापा बहुत ही कंजूस आदमी है, बचपन में मुझे ठीक से चड्डियां नहीं दिलाई तो अब मोबाइल क्यों दिलाएंगे? एटलीस्ट अभी तो दिलाता है ना। क्या मैं तुम्हें एक बार हग कर सकती हूँ? हाँ। के लेटर से उसका नाम मिटाकर अपना और सोडा बडी का नाम लिख दिया। इस कहानी में जो है वही मेरे सपने में भी आया। मैं एक बार ओनर की बेटी हूँ। मुझे बहन कहकर बुलाया था और पीठ खुजाने के लिए कहा था। बहन जी, थोड़ा खुजाओगी क्या? उस छोटी सी मीटिंग में ही मेरा और उसका प्यार हो जाता है। मैं अब तक मरी नहीं क्या? नहीं दीदी। जहर की बोतल बदल कर मैंने नीम की बोतल रख दी थी। सॉरी दीदी, सॉरी। अब जाकर जहर की बोतल लेकर आ। दीदी जाता है या नहीं? ऐसा मत करो दीदी। चुपचाप जा यहाँ से।
50,000 रुपए के लिए जब मैं बेंगलुरु आया था तब एक लड़की की डायरी मिली थी। डायरेक्टर से मैंने झूठ बोला था कि ये डायरी इसी लड़की की है। डायरेक्टर कहानी पढ़कर बहुत खुश हो गया था। ये डायरी सच में उसी लड़की की है ना? क्या सर, डाउट क्यों कर रहे हो? उन्होंने वो डायरी प्रोड्यूसर को दी तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझे एडवांस ला कर दिया और फिल्म बनना शुरू हो गई। कबाड़ के पीछे क्या? चलो इसे साइड करो। कहाँ गए सर? किसका? कौन हो सकता है? ये देख, बाहर गाड़ी का साउंड आ रहा है। शायद कोई आ रहा है। तुम दोनों उतर जाओ, मैं अंदर जाता हूँ। ठीक है, ठीक है? इसी 14 फरवरी को इसी जगह पे प्रपोज करने आऊंगा मैं तुम्हें। चौदह फरवरी को जब मुझे प्रपोज करेगा तो उससे एक दिन पहले तेरे प्रपोजल पे कैसे रिएक्ट करूंगी उसकी रिहर्सल करने आई थी, लेकिन उन्होंने हम सबको जानवरों की तरह मार दिया। हमने क्या गलती की थी? क्या गलती थी हमारी? अगर इच्छा पूरी ना हो तो आत्मा भटकती रहती है,
किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो सोडा बड़ी मुझे प्रपोज करने आएगा, तब मैं जाऊंगी जाऊंगी। किधर जाएगी? हम सारे मरकर भूत बन गए हैं, इंसान की तरह बाहर जाकर नहीं जी पाएंगे। हमारी इच्छाएं, मेरे सपने, क्या सोडा बड़ी मुझे कभी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। कैसे? सिर्फ कल्पना में। वो कैसे? अपनी आखिरी इच्छा इस पेपर पर लिख कर दो। मुझे उसे प्यार करना है, छत पर बैठकर उसके साथ बात करनी है, हंसना है, घूमना है, सिर्फ एक बार उसे कस कर गले लगाना है। मेरे लिए इतना ही काफी है। ए उड़ती हुई तितली, क्या है सोना बड़ी? ए पटीचर, चुप भिखारी। जैसा झगड़ा करते थे फिर से उसी तरह झगड़ा करना है। जिंदगी भर पछताएगी। तड़पता हुआ जाएगा यहाँ से। लेकिन अभी उसे हेयर कट करके स्मार्ट बनना होगा, आंखों पे गॉगल्स लगाने होंगे और उसी स्टाइल में सोडा बुट्टी कहना होगा। सोडा बुट्टी, सोडा बुट्टी, सोडा बुट्टी, सोडा बुट्टी। उसे झगड़ा करना है। अरे निकलना यहाँ से। लोफर कहीं का। उसे अच्छी तरह से मारना है, रात को मिलना है, वो मुझे प्रपोज करेगा, अच्छी तरह से रहना है, आखिर में शादी करनी है। इतना काफी है मेरे लिए। मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मम्मी को देना है, बहन को ठीक से पढ़ाना है। सबकी इच्छा लिख दी है, आखिर में तुम्हारी फोटो भी दे दी है। डायरेक्टर ने अपनी आखिरी इच्छा लिखकर कहानी लिखना शुरू कर दिया है। सारी रात तेरी याद सताती थी। सबकी आखिरी इच्छाएं लिखकर एक कहानी बनाई है। इस कहानी में तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई नहीं रहेगा। चलो, हाथ पकड़ो। सब लोग मेरे हाथ पर हाथ रखो। इस जन्म में तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, लेकिन कल्पनाओं में हमारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। क्या फालतू डायरेक्टर है, पता नहीं कैसी बकवास कहानी लिखी है इसने। कहानी लिखते लिखते सबकी इच्छाएं पूरी होने लगी। लोग तृप्त होकर चले गए, लेकिन सिर्फ मैं पिशाच की तरह यहीं बैठी रही। मैं अंदर से उतर आता हूं, तुम लोग यहीं रुको। मुझे जिन्होंने मारा था वो लोग वहां आए, इसलिए मेरी कहानी अधूरी रह गई। वो प्रपोज करने आया था।
खुशी में कुछ दिखाओगी नहीं क्या? हाँ?